चलो तैयार हो, चलो। ये गुस्सा हो गई थी भैया ने क्योंकि कुछ बोल दिया था इनसे। So hello guys, welcome back to another vlog. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी मुझे जाना है दूध लेने, तो चलो पहले दूध लेके आते हैं। So ये रहा हमारे दूध वाले भैया का घर, शिवसिंह भैया। चलो भैया दूध दे दो। So guys, अभी मैं आ चुका हूँ दूध लेके और भैया तो नहा धो के रेडी भी हो चुके। Yes bro, जय श्री राम। So guys, भैया ने एक YouTube पर कोई वीडियो देखी थी, उसे बताया था कि दोनों कान का साइज अलग अलग होता है। अभी हम लोग स्केल लेके बैठ चुके हैं, देखते हैं अलग अलग होता है या फिर सेम होता है। अलग अलग होता है भाई साहब, और जिसका लेफ्ट कान बड़ा होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जिसका राइट कान होता है वो इमोशनल। नहीं, राइट प्रैक्टिकल नहीं, हमने बहुत अच्छे से सुना। छोटा है आपके लिए लेफ्ट होगा, हमारे लिए राइट। अरे हाँ 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 हाँ, अजीब आदमी। सो गाइस, ये मेरा लेफ्ट कान है, ये मेरा प्रैक्टिकल है और ये राइट होता है इमोशनल। So yes, I am practical. मैं जानता था अपने आप को मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। चलो भैया के कान भी देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 5.5, ये वाला 5.5 सेंटीमीटर है और ये वाला है गाइस, ये बड़ा है थोड़ी सा, ये आता है 5.8 समथिंग। ओके, सो भैया का ये वाला कान बड़ा है और ये छोटा है। हाँ ये बड़ा है सॉरी और ये छोटा है। तो आपका भी प्रैक्टिकल। सो गाइस, अभी बड़ी दीदी को साइन को मनाना पड़ेगा, ये मनाने घूम रहे हैं बड़ी दीदी को। देखिए गाइस, गणपति बप्पा को विसर्जन होने जा रहा है। ये देखो गाइस, ये पूरी दीवार इस लड़की ने गंदी कर दी और इसको मना करो तब भी ये नहीं मानती। ये पूरे दिन ऐसे क्रियॉन्स लिए रहती है और पूरे में गूद देती है। बेटो मत गूदो। देखो गाइस, ये फिर गूदने लगी। लाओ लाओ क्रियांश दो। नहीं गुदना, यहाँ को घूमी करने नहीं ले जाएंगे, हम लोग घूमी करने जा रहे हैं आज। आपको नहीं ले जाएंगे अगर आप गुदोगे तो, आपको यही रहना पड़ेगा। बेबी को भी ले जाएंगे, पापा को भी। तो ठीक है, इधर पे भूत आएगा आपको खा जाएगा। ओके बाय, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, चलोगी? हाँ। तो दी वाले मत गुदना। ओके, ओके। मुझे दे दो। नहीं, मैं इसको अच्छे से रख दूंगा ताकि आप बाद में ड्राइंग कर पाओ। ओके, वेरी गुड। सो अभी हम लोग कर रहे हैं अपने घर में दोबारा से सामान सेट। देखो ये घड़ी हम लोगों ने निकाल ली है वहां से और राम दरबार की फोटो लगा दी है। ये वाली घड़ी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे अच्छी लगेगी शायद घड़ी। चलो आओ तैयार हो, चलो। ये गुस्सा हो गई थी भैया ने क्योंकि कुछ बोल दिया था इनसे, तो इन्हें लगा था हम मूवी नहीं जाएंगे हम लोग। ये भी मना रही है दीदी। So guys, पहले हम लोगों को मूवी देखने जाना है तो इसको यहाँ पे ही लगा देते हैं, फिर आएंगे जब मूवी देख के तो कुछ सेट करेंगे। So, हम लोग आज जा रहे हैं जेड स्क्वाड मूवी देखने। One eternity later. So guys, अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब सब लोग रेडी हो चुके हैं, ये छुटंकी भी रेडी हो चुकी है, दीदी भी रेडी हो चुकी है, टू भी तैयार है, भैया भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकलने की तैयारी में है। So guys, अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिनेमा हॉल, तो चलो हम लोग चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं और मूवी देखने के बाद ज्यादा अफसोस ये हो रहा है कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए क्यों नहीं। हम तीन लोगों ने मूवी देखी, हम तीनों ने सिर्फ एक मूवी देखने में 2300 रुपए खर्च कर दिए। टिकट ज्यादा महंगी नहीं थी, खाना ज्यादा महंगा था, उसमें भी कोल्ड ड्रिंक 300 रुपए की। बहुत कम हो रहा है गाइस, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगली बार नहीं खाएंगे कुछ, 2500 रुपए का सिर्फ उड़ा दिए। पता नहीं मेरा गला क्यों बैठ गया, मेरा गला भी पूरी तरीके से बैठ गया है, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। सभी हम लोग आ चुके हैं फन जोन में, यहाँ पे बेटू को गेम खेलना है तो पहले हम लोग कार्ड बनवाएंगे जो कि हमारे पास नहीं था, तो नया बनवाना पड़ेगा और उसकी प्राइस 1000 रुपए है। सभी देखो बेटू ये वाला झूला झूल रही है और ये गाइस शायद यहाँ पे बोरिंग मशीन लगी हुई है, देखो पानी निकलने ही वाला होगा। बकवास झूला है यहाँ पे गाइस, ये लोग एस्केलेटर में गिर गए अपने आप। फीलिंग बैड फॉर देम।
और जरा यार मॉल का नजारा देखो कितना सुंदर लगता है ना। सो गाइस अभी आ चुका है हम लोगों का ऑर्डर। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर और बिल्कुल बढ़िया आवाज में गए थे और देखो आए कैसे है, पता नहीं क्या हो गया। और अब टाइम आ चुका है चाय का, तो ये लो चाय तो मैंने चढ़ा दी है और मेरी जो तबीयत है वो पूरी तरीके से सही होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। कुछ ना कुछ खराबी बनी ही रहती है, सर्दी, कान में दर्द और ये गला भी अब खराब हो गया। तो फिर बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, अभी मैं ज्यादा बोलने की हालत में नहीं हूँ और ज्यादा गले में दर्द होता है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।